Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भाजपाइयों ने पूर्व लगन मंडप बाबा मनोहर नाथ मंदिर के सामने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वे आगामी चुनाव को लेकर भाजपा महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि जनता को सब मालूम है कि उन्होंने पहले भी कितने विकास कार्य किए हैं, शायद इसलिए ही भाजपा एक बार फिर से उन्हें ही मेयर के रूप में देखना चाहती है। इस दौरान उन्होंने सुनीता वर्मा के कार्यों को लेकर भी जमकर निशाने साधे। अहलूवालिया ने कहा, मेरठ भाजपा नेताओं से भरा हुआ है, यदि वो जीत जाते हैं तो सभी सांसद विधायक व मंत्रियों के साथ मिलकर मेरठ को इंदौर जैसा बनाने की पहल शुरू करेंगे। हरिकांत अहलूवालिया ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में यह कहा। देखो, सबसे पहली बात यह कि आपने पूछा कि पार्टी ने क्यों प्रत्याशी बनाया। हमारी पार्टी में सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पार्टी में संगठन की एक व्यवस्था है, सभी कार्यकर्ता जो भी संगठन का निर्देश होता हम सब मिलकर उसका पालन करते हैं। जिस समय ये चुनाव डिक्लेयर हुआ, पार्टी ने उसमें सभी स्थिति पर विचार किया। हमारे जितने उम्मीदवार थे सभी हमारे बहुत ही योग्य उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, मगर क्योंकि जो मेरा 2012 से और 2017 से पहले का कार्यकाल था, जबकि दोनों में विपरीत सरकारें थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2.5 साल हमें कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, और प्रदेश में पूरे 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उनकी ये हिदायत रहती थी, उस समय मंत्री हुआ करते थे आजम खान साहब, उनकी ये हिदायत थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं इनको कंसीडर ना किया जाए, अधिकारियों को वो धमका के रखते थे। अधिकारी सब उनके अंडर में आते ही थे, वो क्योंकि नगर विकास मंत्री थे। उसके बावजूद हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की जो शक्ति थी वो हमारे साथ थी, और हमने अपने कार्य अब तक नगर निगम में मैं 5वां मेयर था, 6ठी मेयर हमारी बहन जी हुई थी सुनीता वर्मा जी। मेरे कार्यकाल में 4,999 गली सड़कें का निर्माण हुआ था, जिसमें से 50% क्षेत्र ऐसे थे जो अनुसूचित समाज के थे। अनुसूचित समाज जाट समाज, सोनकर समाज, खटीक समाज, बाल्मीक समाज, जो छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी, ये सभी गली बिल्कुल कच्ची थी। लोग बाग घरों में जाते थे तो धूल लेकर घरों में जाते थे, और अगर बरसात होती थी वही धूल मिट्टी कीचड़ बन जाती थी और घरों में कीचड़ लेकर जाते थे। हमने उन सभी क्षेत्रों में सभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमने वहां पर टाइल्स की सड़कों का निर्माण कराया। आज उस क्षेत्र के हजारों नागरिक हमारे बिना किसी बुलावे पर, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया, आज यहाँ पर सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये विषय देखा गया कि विपरीत सरकारों ने जो हमें काम करने से रोकते थे, तब हमने जो काम किए हैं एक इस आधार पे पार्टी ने हमारे बारे में विचार किया। जहाँ तक विपक्ष की बात है, एक पार्टी तो इसमें अतीक अहमद की है, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल जिक्र करना ठीक नहीं समझता, और जो दूसरी पार्टी है उनके मेयर यहाँ पे पहले रह चुके, अभी भी उनकी मेयर यहाँ पर थी बहन जी हमारी, अब उन्होंने उसमें क्या करा क्या नहीं करा ये जनता खूब समझती है, इस बारे में जनता अपना निर्णय देगी, इसमें मैं कुछ बोलना ठीक नहीं समझता। जनता सब समझती है, आज मेरठ महानगर का युवा बहुत जागरूक हो चुका है, वो जरा सी भी कहीं किसी की कमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमारे महानगर के सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति, सभी बहुत ही मतलब जागरूक हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर पारदर्शिता चलेगी, जहाँ पे कुछ विकास होगा वो विकास दिखाई देगा, उसी का सम्मान होगा। और वैसे बिना बात के विषय सामने जो अगर कोई लाता है तो वो चलने वाले नहीं है।